let's talk about the second part of this chapter. We have to study now about neutral substances. हमने अभी तक acidic substances के बारे में पढ़ा, basic substances के बारे में पढ़ा. Now it's time for studying neutral substances. The substances that are neither acidic nor basic are called neutral substances. ऐसे substances जो ना तो acidic हैं और ना ही basic हैं, उनको बोला जाता है neutral substances. एंड ये जो substances हैं, ये indicator के color में कोई change नहीं लाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हमने देखा था कि एसिड जो हैं वो रेड कलर में कन्वर्ट कर देते हैं, बेसिस ब्लू कलर में कन्वर्ट कर देते हैं. तो जो न्यूट्रल सब्सटेंसेस हैं वो कोई भी इंडिकेटर में चेंज नहीं लाते हैं. द एग्जाम्पल्स आर कॉमन सॉल्ट, जिसको हम NaCl भी लिखते हैं. कॉमन सॉल्ट इज अ न्यूट्रल सब्सटेंस, इट इज नॉट अ एसिडिक सब्सटेंस एंड इट इज नॉट अ बेसिक सब्सटेंस. नाउ इट्स टाइम टू स्टडी अबाउट इंडिकेटर्स. इंडिकेटर्स जो हैं वो ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं ये डिटरमिन करने में कि वेदर द गिवन केमिकल इज एसिडिक इन नेचर और बेसिक इन नेचर. सपोज करो, अगर मैं आपको एक टेस्ट ट्यूब में लेमन जूस दे दूं और मैं एक टेस्ट ट्यूब में आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन दे दूं, दोनों के दोनों ट्रांसपेरेंट हैं. आप कैसे पता लगा पाएंगे कि वेदर विच वन इज एसिड एंड विच वन इज बेस? हम हर केमिकल को टेस्ट करके तो नहीं बता सकते, बिकॉज बहुत सारे जो केमिकल्स होते हैं दे आर वेरी मच कोरोसिव, वो हमारे लिए बहुत डेंजरस हैं. तो ऐसी सिचुएशन में हम कैसे पता लगाएं कि कौन सा सब्सटेंस एसिडिक है और कौन सा सब्सटेंस बेसिक? इसीलिए ऐसे सब्सटेंसेस जो हमें हेल्प करते हैं ये डिटरमिन करने में कि गिवन सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक, विद द हेल्प ऑफ अ कलर चेंज, आर कॉल्ड इंडिकेटर्स. ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जो एसिडिक और बेसिक मीडियम में अपना कलर चेंज करके हमें इंडिकेट करें कि ये एसिड है या बेस है, उन्हें उन सब्सटेंसेस को हम कहते हैं इंडिकेटर्स. एंड इंडिकेटर्स की हमें बहुत ज़्यादा स्मॉल अमाउंट की ही ज़रूरत होती है. वेरी लेस अमाउंट ऑफ, वेरी लिटिल क्वांटिटी ऑफ इंडिकेटर्स आर सफिशियंट फॉर ऑब्जर्विंग द कलर चेंज एंड फॉर डिटरमाइनिंग वेदर द गिवन सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक. अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं तो हमारे पास दो टाइप के इंडिकेटर्स हैं. वन आर नेचुरल इंडिकेटर्स एंड अनदर इंडिकेटर्स आर विच आर प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी एंड दे आर यूज्ड इन लेबोरेटरी. एग्जांपल, टर्मरिक, हल्दी, चाइना रोज दैट इज हिबिस्किस एंड लिटमस. ये जो तीन एग्जांपल्स हैं, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल इंडिकेटर्स. फिनोफ्थलीन, लिटमस एंड मिथाइल ऑरेंज, these three are the indicators that are used only in laboratory for chemical purposes. So let's talk about natural indicators first. Uska pehla example hai litmus. Litmus is the most commonly used natural indicator extracted from lichens. I hope you people remember in chapter 1 we studied about the symbiotic relationship between an algae and the fungus, and unke symbiotic relation ko bola jata hai lichens. इसी लाइकन्स से हमें ये लिटमस जो है वो मिलता है, जो कि एक नेचुरल इंडिकेटर है. टू टाइप्स ऑफ लिटमस आर अवेलेबल. लिटमस हमें दो फॉर्म्स में मिलता है. हम लिटमस को एज अ सॉल्यूशन भी यूज कर सकते हैं और हम उसकी पेपर स्ट्रिप्स भी यूज कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं लिटमस पेपर. यू कैन सी ओवर हियर, दीज आर द लिटमस पेपर स्ट्रिप्स. इफ एसिडिक सब्सटेंस आर एडेड टू ब्लू लिटमस इट टर्न्स रेड. अगर मैं ब्लू लिटमस ले लूं, यानी अगर मैंने ब्लू लिटमस पेपर ले लिया और मैंने उसको डिप कर दिया एसिड में, तो जितना पोर्शन एसिड में डिप हुआ होगा, केमिकल में डिप हुआ होगा, उतना पोर्शन रेड कलर में खुद को चेंज कर लेगा. तो ये ब्लू कलर लिटमस का चेंज हो जाना रेड कलर में, ये इंडिकेट करता है दैट द गिवन केमिकल इज एन एसिडिक केमिकल. इसके अलावा अगर मैं इस ब्लू लिटमस को बेसिक सब्सटेंस में डिप कर दूं तो इसके कलर में कोई चेंज नहीं आएगा. और मैं उसमें अगर रेड लिटमस पेपर डिप करके देखूंगी तो बीइंग अ बेसिक सब्सटेंस इट विल टर्न द रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू. तो लिटमस स्ट्रिप्स जो हैं या लिटमस सॉल्यूशन जो हैं वो एसिड में रेड कलर एंड बेस में ब्लू कलर देकर हमें इंडिकेट करती हैं दैट विच केमिकल इज एन एसिड एंड विच केमिकल इज अ बेस. नेक्स्ट नेचुरल इंडिकेटर दैट वी हैव टू स्टडी इज टर्मरिक.
टर्मरिक जो हमारी किचन्स में हल्दी होती है दैट इज टर्मरिक, एंड ये एक नेचुरल इंडिकेटर है बेसिस के लिए। नेचुरल इंडिकेटर्स की अगर मैं बात करूं तो जब एसिडिक और न्यूट्रल सब्सटेंसेस टर्मरिक पाउडर के ऊपर गिरते हैं तो वो येलो कलर ही रहता है उसका, लेकिन जैसे ही टर्मरिक के ऊपर कोई भी बेसिक सब्सटेंस की ड्रॉप डली दैट येलो कलर ऑफ टर्मरिक पाउडर विल गेट कन्वर्टेड इनटू ब्रिक रेड कलर। दैट मींस जो टर्मरिक का येलो कलर है अगर उसके ऊपर एसिडिक सब्सटेंस या फिर न्यूट्रल सब्सटेंस डलेगा तो वो येलो कलर ही एज इट इज रहेगी, लेकिन अगर उसके ऊपर बेसिक सॉल्यूशन गिर गया, बेसिक सब्सटेंस गिर गया, तो इट विल चेंज इट्स कलर फ्रॉम येलो टू ब्रिक रेड कलर। सो इट इज ऑल्सो अ एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल इंडिकेटर। आफ्टर दिस वी हैव नेक्स्ट नेचुरल इंडिकेटर, दैट इज चाइना रोज, जिसका साइंटिफिक नेम हिबिस्कस है, एंड इसका हिबिस्कस जूस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पेटल्स। हम चाइना रोज के पेटल्स से चाइना रोज जूस को ऑब्टेन करते हैं, एंड ये जो जूस है इट एक्ट एज अ नेचुरल इंडिकेटर। अगर हम इस इंडिकेटर में एसिडिक सब्सटेंस ऐड कर दें तो इट विल गिव डार्क पिंक कलर, लेकिन अगर हम इसमें बेसिक सब्सटेंस ऐड कर दें तो ये किस कलर का हो जाता है? ग्रीन कलर का। और नॉर्मल जो चाइना रोज इंडिकेटर का कलर होता है वो ये कलर होता है, यानी इसमें हमने एसिड डाला तो ये डार्क पिंक में कन्वर्ट हो जाएगा और हमने इसमें बेसिक सॉल्यूशन डाला तो ये ग्रीन कलर का हो जाएगा। तो इन तीनों नेचुरल इंडिकेटर्स की हेल्प से हम ये चीज़ पता लगा सकते हैं दैट वेदर द गिवन केमिकल इज अ एसिडिक सब्सटेंस और बेसिक सब्सटेंस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंडिकेटर्स दैट आर यूज इन लेबोरेटरीज, जिनको हम अपनी लेबोरेटरीज में यूज करते हैं। द वेरी फर्स्ट इज फिनोफ्थलीन इंडिकेटर, इसमें एल जो है वो साइलेंट है, इट इज नोन टू बी फिनोफ्थलीन इंडिकेटर एंड इट इज अ वेरी कॉमनली यूज इंडिकेटर इन लेबोरेटरी। फिनोफ्थलीन इंडिकेटर की अगर मैं बात करूँ तो उसका खुद से कोई कलर नहीं होता, इट इज कलरलेस, लेकिन जब हम उसमें बेसिक सब्सटेंस ऐड कर देते हैं तो वो पिंक कलर का हो जाता है, और अगर हम उसमें एसिडिक सब्सटेंस डालते हैं तो वो कलरलेस ही रहता है। तो वी कैन से कि फिनोफ्थलीन जो है वो खुद तो कलरलेस होता है, लेकिन उसमें अगर हमने बेस ऐड कर दिया तो वो हमें पिंक कलर देगा, जबकि हमने एसिड ऐड किया तो वो कलरलेस ही रहेगा। द सेकेंड इंडिकेटर दैट इज यूज इन लेबोरेटरी इज मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर। मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर का कलर इस तरीके से लाइट ऑरेंज कलर होता है। अगर हम इस मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर में बेस ऐड कर दें तो वो येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर हम इसमें एसिड ऐड कर दें तो वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। सो मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोफ्थलीन आर द टू इंडिकेटर्स दैट आर यूज्ड इन लेबोरेटरीज टू डिटेक्ट और टू डिटरमाइन वेदर द गिवन सब्सटेंस इज एसिडिक इन नेचर और बेसिक इन नेचर। लिटमस पेपर के थ्रू डिटेक्ट करने के बाद कि आखिर कौन सा सॉल्यूशन एसिड है, कौन सा बेस, हमने सिर्फ इतना पता लगा लिया कि कोई भी एक गिवन केमिकल जो है वो एसिड है या बेस है, लेकिन हम ये कैसे पता लगाएं कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है, कौन सा एसिड वीक है? अगर सपोज आपको तीन बीकर्स में मैंने एसिड्स दे दिए, उन तीनों में अगर मैंने ब्लू लिटमस पेपर डिप किया तो वो तो दोनों ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देगा। तो यानी इंडिकेटर्स ने हमको सिर्फ इतना बताया कि कौन सा सॉल्यूशन एसिड है या कौन सा सॉल्यूशन बेस है, लेकिन इंडिकेटर्स हमें ये नहीं बताते कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है और कौन सा एसिड वीक है। इसी काम के लिए वी आर हैविंग वन मोर थिंग दैट इज पीएच स्केल। pH scale is the numerical representation of acidity and basicity of substances. It varies from 1 to 14. pH scale जो है वो एक numerical representation है जो हमें ये बताता है कि किस substance की कितनी ज़्यादा acidity है या कितनी ज़्यादा basicity है। इसकी range होती है 1 to 14. You can look over this scale. This is the pH scale. 1 to 14. 7 जो नंबर है वो नंबर होता है न्यूट्रल। 0 से लेकर 6 तक के जो नंबर्स हैं दे आर एसिडिक, एंड
8 से लेकर 14 तक के जो नंबर्स हैं दे रिप्रेजेंट बेसिक। जितना 7 से 0 की तरफ हम जाएंगे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, यानी 6 नंबर वाला केमिकल वीक एसिड है, 2 नंबर वाला एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसी तरीके से जब हम 14 की तरफ जाएंगे तो एल्कलाइनिटी यानी बेसिसिटी बढ़ते जाएगी, यानी जो 9 नंबर वाला केमिकल है वो वीक बेस है और 14 नंबर वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है। तो एक्चुअल में होता क्या है, यू कैन सी कि इस पीएच पेपर के ऊपर आपको हर नंबर के साथ एक अलग कलर दिखाई दे रहा है। इस डायरेक्शन में देर आर डिफरेंट शेड्स ऑफ रेड एंड इन दिस डायरेक्शन देर आर डिफरेंट शेड्स ऑफ ब्लू। तो एक्चुअल में क्या होता है, हमारे पास ना ये पीएच पेपर आता है, जिस तरीके से लिटमस पेपर है वैसे ही ये पीएच पेपर होता है। मैं अगर इसकी स्ट्रिप को किसी पर्टिकुलर केमिकल में डाल रही हूँ तो वो जो केमिकल है वो अपनी एसिडिटी और बेसिसिटी की स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग उस पीएच पेपर को कलर देगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस में डिप कर दिया पीएच पेपर को, तो पीएच पेपर का कलर या तो होगा डार्क ब्लू या वॉयलेट। अब इस पीएच पेपर के ऊपर कलर तो आ गया, सपोज इसके ऊपर कलर आया ब्लू का कोई शेड, तो मुझे ये पता लग गया कि जो पीएच पेपर है उसका पे ब्लू शेड आया है, तो जो मेरा केमिकल है वो बेस है। लेकिन मुझे ये चेक करना है कि आखिर वो स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है। तो मैं क्या करूँगी, मैं उस पीएच पेपर की स्ट्रिप को इस पीएच स्केल से मैच करके देखूंगी एंड उस पीएच पेपर पे जो कलर आया है वो इनमें से स्केल पर जिस कलर के साथ मैच होगा दैट विल बी द पीएच नंबर ऑफ दैट केमिकल। सपोज मैंने किसी एक केमिकल में पीएच पेपर को डिप किया और उसने मेरे को येलो कलर दिया, मैंने उस पीएच स्ट्रिप को इस पूरे स्केल के साथ मैच करना शुरू किया और मुझे दिखाई दिया कि पीएच पेपर के ऊपर जो कलर आया है वो 4 के साथ मैच हो रहा है, तो मुझे क्या पता लग गया कि जो वो केमिकल था वो एक एसिड है पीएच 4 का। इसी तरीके से अगर मैंने किसी केमिकल में पीएच स्ट्रिप को डिप किया और उसने मुझे ग्रीन कलर दिया और मैंने फिर उसको उस कलर को इस पीएच स्ट्रिप से मैच करके देखा तो वो मैच हुआ 10 पर, तो यानी मेरे पास जो लिक्विड प्रेजेंट है वो बेस है वो भी पीएच 10 का। 7 से अबव वाले जो पीएच नंबर्स होते हैं दे रिप्रेजेंट द बेसिक स्केल एंड 7 से जो लोअर नंबर वाले नंबर्स होते हैं दे रिप्रेजेंट द एसिडिक पीएच। सो एक्चुअल में जो पीएच है दे आर यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स आर द कंपाउंड दैट शो अ ग्रेजुअल चेंज इन कलर टू इंडिकेट द एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ द पीएच वैल्यू फ्रॉम 1 to 14। और ये जो इंडिकेटर्स होते हैं ये दोनों तरीकों में अवेलेबल होते हैं, स्ट्रिप्स ऑफ पेपर में भी एंड सोल्यूशन की फॉर्म में भी। इज दिस थिंग क्लियर? सो दिस इज अबाउट पीएच स्केल। नाउ इट्स टाइम फॉर स्टडिंग अबाउट सॉल्ट्स। हमने एसिड्स और बेसिस दोनों के केमिकल प्रॉपर्टीज में ये चीज़ स्टडी की है कि एसिड्स जो हैं वो बेसिस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करते हैं एंड बेसिस जो हैं वो एसिड्स के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर फॉर्म करते हैं। आप एक कॉन्सेप्ट को समझो, एसिड्स और बेसिस दो ऐसे केमिकल सब्सटेंसेज हैं जिनका नेचर बिल्कुल एक दूसरे से अपोजिट है। अगर हम एसिड और बेस दो ऑपोजिट नेचर वाले केमिकल्स को आपस में मिक्स कर देंगे, उन्हें रिएक्ट कराएंगे, तो वो क्या करेंगे, वो एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। फॉर एग्जांपल, यू पीपल स्टडी अबाउट इंटीजर्स, आप इंटीजर्स के बारे में पढ़ते हो, अगर मैं +3 और -3 को ऐड करती हूँ तो आपको न्यूट्रल आंसर 0 आंसर मिल जाता है, बिकॉज पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर्स बोथ कैंसल्स आउट द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। सिमिलरली व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेसिस दे कैन न्यूट्रलाइज वन अनदर्स स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। दैट मीन्स जब एक एसिड और एक बेस आपस में मिलते हैं तो वो एक दूसरे की प्रॉपर्टीज को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। The substances that are produced as a result of neutralization between acid and bases are called salts. Acid और bases की reaction के बीच में जो neutralization हुई उसका जो product आया वो है salt.
एंड द रिएक्शन इन विच एसिड रिएक्ट विद द बेसिस रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर आर कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. एंड वो रिएक्शन जिसमें एसिड और बेस का न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है और एसिड और बेस एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, उस रिएक्शन को बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. फॉर एग्जाम्पल आप इस जनरल रिएक्शन को देखो, हमने एसिड लिया, हमने बेस लिया, हमने दोनों को ऐड कर दिया, तो उसने हमें दिया सॉल्ट एंड साथ में वाटर एंड सम अमाउंट ऑफ हीट. तो दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. हमारी डेली लाइफ में हम इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को बहुत यूज करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं. इन द ट्रीटमेंट ऑफ आंट स्टिंग, सम पीपल आर हाईली एलर्जिक टू आंट स्टिंग एज इट रिलीजेज अ फॉर्मिक एसिड. इट इज न्यूट्रलाइज्ड बाय रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा और कैलामाइन सोल्यूशन. बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको आंट के स्टिंग से बहुत ज़्यादा एलर्जी होती है. एक्चुअल में जब चींटी हमें काटती है तो वो हमारे स्किन में एक एसिड इंजेक्ट करती है जिसका नाम है फॉर्मिक एसिड. अब एसिड की वजह से हमारी बॉडी में एलर्जी हुई, अगर मुझे एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करना है, ख़त्म करना है, तो मैं उसके ऊपर क्या अप्लाई कर दूँ? एक बेस अप्लाई कर दूँ, क्योंकि एसिड के इफेक्ट को बेस जो है वो न्यूट्रलाइज कर देगा एंड द एलर्जी दैट आई एम हैविंग ऑन माई स्किन वुड बी वैनिश्ड. इसी वजह से जिन लोगों को एलर्जी होती है आंट स्टिंग से, जब उन्हें एलर्जी हो जाती है, उस फॉर्मिक एसिड को जो आंट ने अपनी स्टिंग के थ्रू स्किन में इंजेक्ट किया है, उसको हम न्यूट्रलाइज कर देते हैं बेकिंग सोडा को रब करने से, क्योंकि बेकिंग सोडा इज अ बेस. इसी तरीके से इन द ट्रीटमेंट ऑफ इनडाइजेशन, सबसे पहले आपको ये रीज़न पता होना चाहिए कि हमें इनडाइजेशन होती क्यों है. जो हम कहते हैं कि हमें एसिडिटी हो गई, वो क्यों होती है? बिकॉज हमारे फूड को डाइजेस्ट करने के लिए जब हमारे स्टमक में एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज हो जाता है ना, तो इट कॉज इनडाइजेशन. अब अगर हमारे स्टमक में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एसिड प्रेजेंट है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए मैं क्या कंज्यूम कर लूँ? एक बेस कंज्यूम कर लूँ, क्योंकि वो मेरी स्टमक में जाएगा और वहाँ पर जो एक्स्ट्रा एसिड सिक्रीट हुआ है उसको न्यूट्रलाइज कर देगा एंड द प्रॉब्लम वुड बी सॉर्टेड. दिस इज द रीज़न कि हम एसिडिटी के टाइम पर एंटा एसिड्स लेते हैं, जिसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक बेस है जो कि हमारे स्टमक में प्रोड्यूस्ड एसिड को न्यूट्रलाइज करके हमें एसिडिटी से रिलीफ कर देगा. इसी तरीके से इन द ट्रीटमेंट ऑफ सॉइल, अगर हमारी सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक हो गई है, तो हम उसमें स्लेक्ड लाइम ऐड कर देते हैं, जो कि अभी हमने पीछे टेबल में पढ़ा था. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बेस होता है और वो बेस एक बेस है, तो अगर हमारी सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक हो गई है तो हम उसमें बेस ऐड कर देंगे. एंड अगर हमारी सॉइल बहुत ज़्यादा बेसिक हो गई है तो हम उसमें ऑर्गेनिक मैटर ऐड कर देंगे, जैसे कि फर्टिलाइज़र, क्योंकि वो क्या करेगी, वो हमारी सॉइल में जो बहुत ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर आया है उसको न्यूट्रलाइज कर देगी. इसी तरीके से सेम सिनारियो यूज होता है इन द ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज वेस्ट. एंड दिस इज द लास्ट एवरीडे लाइफ हैक फॉर दिस. दिस इज इन द ट्रीटमेंट ऑफ एसिड बर्न्स. जब हमें एसिड की वजह से बर्न्स होते हैं, तो हमें उस एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए बॉडी के ऊपर बेकिंग सोडा का डाइल्यूट सोल्यूशन अप्लाई करना पड़ता है, ताकि एसिड का जो इफेक्ट है उसको न्यूट्रलाइज किया जा सके. So this was all about the various everyday life hacks related to the neutralization reaction. With this we come to the end of this chapter. Please watch this video again to grab the concept properly.